दोस्तों आपको पता है क्या, YouTube आपको खुद ही बताता है कि आपके कौन से वीडियो वायरल होंगे। जी हाँ दोस्तों, YouTube खुद ही बताता है कि आपका यह वीडियो वायरल होगा या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही होता है। YouTube ही बताएगा आपको कि ऐसा आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना और आपका वीडियो 100% वायरल होगा। आपको पता ही नहीं है हमारे वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं है? आप तो रोज़ वीडियो बना रहे हो, मेहनत बहुत मेहनत कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, रोज़ वीडियो अपलोड करते हो, अच्छा अच्छा टॉपिक बनाते हो, वीडियो बनाते हो, लेकिन आपके चैनल ग्रो नहीं हो रहा। क्यों होगा? आपका टॉपिक ही सही नहीं है। आपको टॉपिक नहीं बताया हमें किस टाइटल पर वीडियो बनाना है। आपको अगर अपने वीडियो पर व्यूज़ लाने हैं तो आपको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा लोगे तो आपके चैनल पर व्यूज़ आएंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ तीन ट्रिक, ऐसी तीन ट्रिक बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको जितने पहले व्यूज़ आते थे उन्हें उनसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपको अब अपने वीडियो को देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको मेरी इन तीनों ट्रिक को फॉलो करना होगा। आजकल ज़्यादातर लोग इसी तरह काम करते हैं, इन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं जो वीडियो हमारे ज़्यादा वायरल होते हैं। दोस्तों सभी लोग ऐसा ही करते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बताऊँ उन्हीं ट्रिक को फॉलो करते हैं। और एक आप हैं कि कोई भी वीडियो बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं, आप चैनल छोड़ देते हो बाद में कि हमारा तो चैनल ग्रो होगा नहीं, हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे। ऐसा फालतू में आप टाइम वेस्ट मत करो, जो ट्रिक मैं बताऊँ उन्हें फॉलो करो और अपने चैनल को ग्रो करो। वरना अगर आप ऐसा ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते और नॉर्मल वीडियो बनाना चाहते हो तो फिर लगे रहो, पूरी ज़िंदगी कुछ भी बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इन ट्रिक को फॉलो करना ही पड़ेगा, और सभी करते हैं। अगर आप भी करोगे तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो टॉपिक हमें मिलेंगे कहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सभी छोटी से छोटी स्टेप बताऊँगा। आपके कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जाना है। YouTube में जाने के बाद आप अपने, मान लो फूड कैटेगरी है, फूड कैटेगरी है तो फूड कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी टाइटल ले लो आप। जैसे पास्ता कैसे बनाएं, आपको क्या करना है पास्ता कैसे बनाते हैं इसको सर्च करना है। सर्च करते ही जितने भी टॉप वीडियो होंगे वो सभी टॉप वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उन वीडियो को जैसे आप एक वीडियो चूज़ कर लेते हो, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो देख लिया, और इसके चैनल पर जब विजिट होते हो तो आपको इसके वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना है। वीडियो वाले सेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हो इसके व्यूज़, देखो 6,000, 57,000, 54,000, 73,000, लेकिन इसमें देखो 2,25,000 व्यूज़ आ गए। आप देख सकते हो इन सभी वीडियो में एवरेज व्यूज़ आते हैं, जैसे 57,000, 54,000, 73,000 एक एवरेज व्यूज़ हैं, लेकिन आप देख सकते हो इस वीडियो में 2,00,000 से प्लस व्यूज़ आ गए। क्यों, इसमें इतने व्यूज़ कैसे हैं? क्योंकि इस कैटेगरी के जितने भी ऑडियंस है वो ऑडियंस इन वीडियो को देखना पसंद करते हैं। इन वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप भी इन वीडियो को बनाओ। आपको ज़्यादा तो नहीं देखना, आप सिर्फ एक महीने के वीडियो देखना, एक महीने के देख लेंगे लिया। यहाँ पर आगे आपको टाइम भी दिखाई देगा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसे 11 दिन, आपको सिर्फ एक महीने तक देखना है। 92,000, 1,58,000, 58,000, 1,70,000, लेकिन इस वीडियो में देखो 2,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। आपको क्या करना है, इसी वीडियो को देखना और इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। आपको वीडियो फाइंड करने के लिए इन्हीं टॉपिक को देखना है। इन टॉपिक को देखने के बाद क्या करना है, आपको जैसे मान लो आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो दूसरा जो बड़े चैनल उन चैनल का नाम लगाना, उसमें एक महीने के वीडियो देखना। उन वीडियो में से जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है आप उन वीडियो को अपने चैनल में लगा सकते हो। वीडियो बना, आप अपने वीडियो बनाओ जो पसंद है वो भी बनाओ, लेकिन आप इन वीडियो को बनाओ ताकि आपका चैनल ग्रो हो, आपके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आएँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हो तो आपके पास YT स्टूडियो ऐप जरूर होगा, क्योंकि आप अपने वीडियो के सारे एनालिटिक्स उसी में चेक करते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपने YT स्टूडियो ऐप में चले आना है। YT स्टूडियो ऐप में आने के बाद आपको एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में जाना है, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है नीचे नीचे। इसमें जाने के बाद आपके सामने ओवरव्यू के पास वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंटेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने YouTube सर्च ट्रिम्स कंटेंट सजेशन यू ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसको आगे की ओर स्क्रॉल करना है तो YouTube सर्च ट्रिम्स आपको दिखाई देगा। YouTube सर्च ट्रिम्स में आपको चले जाना है। सर्च ट्रिम्स में जाने के बाद
आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे टाइटल आ जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे जिन टाइटल की वजह से आपके वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं आपको वो टाइटल ऊपर के ऊपर दिखाई देंगे, और आपको दिखाई भी दे रहे हैं 20 व्यूज़, 17 व्यूज़, 15 व्यूज़, इस हिसाब से। और अगर आप अपने 7 दिन का, 90 दिन का, 48 घंटे का, 60 मिनट का, कितना भी आप चाहे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं 28 दिन का देख लेता हूँ, 1 महीने का। इतना देखने के बाद आपको क्या करना है, इनमें से जितना भी सबसे ऊपर के ऊपर जो टाइटल आपको दिखाई देगा आपको उसी टाइटल के ऊपर वीडियो बनाना है, ताकि अगर आप इस टाइटल पर अपना वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ये इतना करने के बाद हम बात करते हैं अपनी तीसरी ट्रिक्स की। तीसरी ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अब क्या करना है, मान लो आपने 5-7 वीडियो बना लिए, जो वीडियो आपका सबसे ज़्यादा वायरल होता है, जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आपको उसी वीडियो के ऊपर फिर से वीडियो बना देता है, वही टाइटल यूज़ करना है, जो डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी करके वही लगा देना है। जितने व्यूज़ मान लो उसमें 10,000 व्यूज़ आए आपके, तो अगर आप उसी टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो उसमें 7 या 8 हज़ार व्यूज़ आपके 100% आएंगे। इन तीनों ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होगा, अपने वीडियो में बनाना है। अगर दूसरे वीडियो बनाना चाहो तो वही बना लो, लेकिन साथ साथ आपको इन वीडियो को भी बनाना होगा। सबसे मेन बात है कि आपके जो भी कैटेगरी, आपको उसी कैटेगरी पर वीडियो बनाना, आपको अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।